गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। तो आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी किताब में नया क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 9 शेर और चूहा, ये एक स्टोरी है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, द लायन एंड द माउस। किसी जंगल में एक शेर रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। उसी जंगल में एक चूहा भी रहता था। एक जंगल था, एक फॉरेस्ट था, जिसमें एक लायन रहता था। उस जंगल में सभी कोई, जितने भी जानवर थे, उस लायन से बहुत डरता था। और उसी जंगल में एक चूहा भी रहता था, छोटा सा माउस। एक दिन शेर अपने गुफा में सो रहा था। गुफा मतलब जहाँ शेर रहते हैं। शेर किस जगह रहते हैं? शेर गुफा में ही रहते हैं। चूहा भोजन की खोज में अपने बिल से बाहर निकला और उसी टाइम माउस भी अपने भोजन की तलाश में, मतलब खाना खाने के लिए, अपने घर से बाहर निकला। उसने देखा शेर सो रहा है। किसने देखा? चूहे ने देखा कि शेर सो रहा है। वह शेर की पीठ पर उछल कूद करने लगा। उसने देखा कि शेर सो रहा है तो वो शेर की पीठ पर उछल कूद करने लगा, मतलब मस्ती करने लगा। इससे शेर की नींद खुल गई। जब वो मौज मस्ती कर रहा था, उसके पीठ पर उछल रहा था, तो शेर डिस्टर्ब हो गया और उसकी नींद टूट गई। चूहे को अपने ऊपर देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। चूहा जो उसके पीठ पर उछल कूद कर रहा था, लायन उसे देखकर गुस्सा हो गया। उसने चूहे को अपने पंजों में पकड़ लिया। अब चूहा डर गया और बोला, वनराज मुझे माफ़ कर दो, समय आने पर शायद आपके काम आ जाऊं। चूहे को जब शेर ने अपने पंजों, मतलब अपने हाथों में जब पकड़ लिया, तो चूहे ने बोला कि वनराज मतलब हे जंगल के राजा, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी किसी दिन हेल्प करूँगा, मैं आपके किसी दिन काम आऊँगा, यानी कि मैं आपके किसी दिन हेल्प करूँगा। चूहे की बात सुनकर शेर को दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। इस बात को सुनकर शेर को उसके ऊपर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया और बोला, तुम जैसा छोटा जीव मेरे किस काम आएगा। और उसने बोला कि तुम इतने छोटे हो और तुम मेरे काम आओगे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और जाल में शेर को फंसा लिया। बहुत दिन के बाद उसी जंगल में एक शिकारी, मतलब जो हंटर आया और उसने नेट फेंक कर शेर को उस नेट में डाल लिया। शेर जाल से निकल नहीं पा रहा था। उस नेट से शेर अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रहा था, इसलिए उसे गुस्सा में वो दहाड़ने लगा। दहाड़ मतलब शेर की आवाज़। शेर दहाड़ने लगा और शेर की दहाड़ सुनकर चूहा बिल से निकलकर शेर के पास आ गया। उसकी दहाड़ को सुनकर जब वो चिल्लाने लगा, मतलब वो ज़ोर से जब दहाड़ा, तो उसकी आवाज़ को सुनकर चूहा उसके पास आ गया।
चूहे ने शेर को देखते ही कहा, घबराओ मत, मैं अभी आपको आज़ाद कर देता हूँ। जब उसने शेर को उस जाल में बंद देखा, उस नेट में बंद देखा, तो उसने बोला, शेर आप घबराओ मत, मैं आपको अभी तुरंत आज़ाद कर देता हूँ। शेर ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया और शेर जाल से बाहर निकल गया। उसने अब चूहा को बहुत ज़्यादा शार्प टीथ होते हैं और वो उसने अपने शार्प टीथ से उस नेट को उसने काट दिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया, शेर ने चूहे को थैंक्स बोला, धन्यवाद बोला। चूहे ने शेर से कहा, उस दिन आपने दया करके मुझे छोड़ दिया, तभी आज मैं आपकी मदद कर सका। उस दिन शेर और चूहा दोस्त की तरह रहने लगे, इसलिए हम छोटे बड़े का भेद नहीं करना चाहिए और सभी जीव पर दया करनी चाहिए। तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं कि किसी के लिए भी कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि आप छोटे हो तो आप ये काम नहीं कर सकते हो, हम बड़े हैं तो हम ये काम कर सकते हैं। छोटे बड़े सभी के लिए काम में समानता होती है और हमें किसी के ऊपर ये नहीं बोलना चाहिए कि आपसे ये काम नहीं हो सकता है। किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। द एंड।